नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्पोर्ट्स टाइगर में। दिस इज अनुज के। आज के युग में जब हम बेस्ट T20 स्पिनर की बात करते हैं तो शायद हमारी जबान पे अफगानिस्तान के राशिद खान का नाम आता है, लेकिन राशिद खान की जो जर्नी रही है इतनी आसान नहीं रही है। वो क्रिकेटर बनने से पहले डॉक्टर बनने की दहलीज पे थे। क्या थी उनकी पूरी जर्नी, किस तरीके से स्ट्रगल रहा और आज जो है वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में क्यों खेलना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स टाइगर को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। राशिद खान के बारे में जब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान से वो आते हैं और जिस तरीके से इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, अपनी स्पिन गेंदबाजी से, लीथल गेंदबाजी से, जो उन्होंने टाइट गेंदबाजी आप उसे कह सकते हैं कंटेन करके रखते हैं बल्लेबाजों को, और अभी जिस तरीके से उन्होंने धूम मचा रखी है वर्ल्ड क्रिकेट में, बेस्ट लेग स्पिनर अगर मैं उनको बोलूं या बेस्ट स्पिनर की अगर आप उनको उपाधि दे दें इस वक्त T20 फॉर्मेट्स में, लिमिटेड फॉर्मेट्स की मैं यहाँ बात करूं, तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि राशिद खान जिस तरीके से एकदम क्रिकेट में चाहें, चाहे आप IPL को क्रेडिट दीजिए या वर्ल्ड क्रिकेट में जो वो भले ही एसोसिएट नेशन अफगानिस्तान से खेलते हैं, जितने भी मौके उनको मिलते हैं, लेकिन जो छाप इस गेंदबाज ने छोड़ी है पिछले कुछ 3 से 4 सालों में वो देखने लायक है। लेकिन राशिद खान के लिए जो शुरुआत रही थी वो कुछ इस तरीके से थी कि उनके फादर और उनकी फैमिली चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, ना कि क्रिकेटर, क्योंकि उनके घर में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मेडिकल लाइन से नहीं था। इस वजह से राशिद खान को जो है मोटिवेट किया जाता था कि भाई आप जो है डॉक्टरी की डिग्री लीजिए, आप क्रिकेट में मत पढ़िए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और राशिद खान ने धीरे धीरे अपने क्रिकेट को इंटरेस्ट को जो है प्रोफेशन में तब्दील किया और कभी भी जो है उन्होंने किसी की तरीके की कोचिंग नहीं ली। जो भी टैलेंट उनमें है, जो भी एक टैलेंट आप कह सकते हो, सारा का सारा नेचुरल है। कभी किसी की कोई ऐसी कोई मेंटोरशिप उन्होंने नहीं ली। जो भी काबिलियत आप उनकी अभी फ़िलहाल देखते हैं वो खुद से सेल्फ मेड है। किसी भी तरीके की कोई कोचिंग उन्होंने ज़िंदगी में नहीं ली शुरुआती दौर में। बाद में तो जो है जब वो टीम से जुड़ते हैं तो कोच जो है वहाँ होते हैं। राशिद खान को जो है सही मायनों में आइडलाइज किया जाता है एशिया में और काफ़ी यंगस्टर्स उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। एक बात और आपको बता दें कि राशिद खान जो है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलना चाहते हैं। ये उन्होंने बताया कि जिस तरीके से MS धोनी उनको एडवाइस करते हुए नज़र आते हैं IPL में, उनको फील्डिंग के लिए एक बार उन्होंने एडवाइस किया था कि किस तरीके से जो है एक स्पिनर को फील्डिंग करनी चाहिए और उसका फ़ायदा भी जो है उन्हें हुआ था। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी और राशिद खान का जो एक मिश्रण रहेगा, हम देखते हैं अगर IPL में मौका मिलता है ऐसा कि जहां धोनी की कप्तानी में जो है राशिद खान खेले तो इससे बेहतर क्या ही होगा। लेकिन हैदराबाद जो है जाहिर सी बात उन्हें रिटेन करेगी करेगी। चेन्नई में शायद हमको इतनी जल्द तो वो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जो जर्नी राशिद खान ने एक इंटरव्यू में बताई है उससे साफ नज़र आता है कि अगर आपके सपनों में दम है, अगर आपके सपनों में जान है और उसे पूरी करने की जो आप में काबिलियत है, आप में दृढ़ निश्चय है, तो ज़रूर जो है आप एक दिन अपने सपने को जिएंगे। और फिलहाल राशिद खान उस सपने को ही जी रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरफ जो है और किस तरीके से पूरा का पूरा काफिला राशिद खान का उनको आगे लेके जाएगा। अभी तो बस शुरुआत है राशिद खान के लिए आगे, और उनको जो है कीर्तिमान खुद को भी अचीव करने, साथ ही साथ अफगानिस्तान को भी जो है उन्हें अचीव कराने, ताकि धीरे धीरे और हम ऐसे क्रिकेटर्स जो हैं एसोसिएट नेशन से या एशिया से या वर्ल्ड क्रिकेट से जो है लगातार जो है वो अपने सपने को जिए, साथ ही साथ करोड़ों जो फैंस हैं दुनिया भर में उनको भी जो है इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले इन सभी के लिए। और एग्जांपल जो एक सेट करते हैं, बेंचमार्क जो सेट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी यंगस्टर्स के लिए जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ इसे शेयर भी ज़रूर करिए और स्पोर्ट्स टाइगर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।